आगा तो इसका बीज भी नहीं बोंदे मेरा साला एक पीछे सरकार ने तंग कर दी है। सरकार का को नहीं बोंदे बीज है के इसका सरकारों का नहीं बीज जी ना का मतलब करो मन्ना ना करांगे तो कुछ ऐसा होगा। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दिए सब के धंधे का। आज हरियाणा बीजेपी की देन है नंबर वन बेरोजगारी में बहुत बड़ी है जी, हम तो बीजेपी के वोट देंगे जी। जो 3 लाख हर साल नौकरी देने का वादा खट्टर साहब ने किया था आज जुमला निकला है उनका। तीसरी सरकार एक और हरियाणा आम आदमी पार्टी का सभा बढ़िया लग गया तो बड़े पंजाब में मेरे नाल कर दिए लोग क्या नाम है जी? किताब सिंह। कहाँ से? मैनस। अच्छा केले कह रहे थे आज मंडी में सिस्टम सिस्टम ले बिकी ना क्या बिकी कब लेकर आए थे? इसका मुक्त पूरा हो रहा वेरीफाई के वाईफाई हो गया तो फिर महाराणा का तो विघन हो गया किसी के देखो पोर्टल की सरकार कर दी पोर्टल पे चढ़ाओ पहले फिर वो वेरीफाई होगी फिर भी कहेगी आगे तो इसका बीज भी नहीं बोंदे मेरा साला एक इसे सरकार ने तंग कर दी है। सरकार का को नहीं बोंदे बीज है के इसका सरकारों का नहीं बीज था जी। सरकार ने पहले तो कहती इन्हें महंगी बेचांगे ले लो न्यू ज्यादा बोए करो पानी की बचत होगी क्योंकि पानी की बचत नहीं कहेंगे बचत ना इन्हें को लिंदा कौन सी सरकार ठीक लग गया भाई किसान के बराबर सरकार का तो आज यू आया बना दिया यू बुरा हो रहा है रकम दूसरा बना दिया दूसरा बुरा दिखा मारे उसे तो नहीं थोड़ी है रही इससे कांग्रेस ने कितने करे घट निकालिया कांग्रेस ने कदे कुछ करे वह भी नहीं हुई थी। और फिर भाग गए फिर तीसरी सरकार एक और हरियाणा आम आदमी पार्टी फिर बस वह बढ़िया लग गया तो बड़े पंजाब में मेरे नाल कर दिए लोग मरे हैं तो मौजा दे दिया और दिन से की मजदूरी करने वाले थे बेचारे उनते भी दिहाड़ी दे दी। अच्छा हाँ वह सरकार बढ़िया सुशील गुप्ता घनी वोटा जीतेगा इनकी जमानत करेगा इनने झूठ बोली ठीक कोरोना का मतलब करो मन्ना ना करांगे तो कुछ ऐसा करोगा। लॉकडाउन का मतलब लोग डाउन कर दो लॉकडाउन कर दिए सबके धंधे डाउन कर दिए। और फिर तीसरा नोटबंदी नोटबंदी भी बट्ठा बैठा दिया अपने रुपये नहीं ले सकते और ना इन बालक रोजगार पलवाए कही थी 3 लाख नौकरी देते हैं खत्म और इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनी बहन की कोठली लेके जाओ। अच्छा हाँ इनकी खुद हुआ घरबार रही वह भी तो किसी की बेटी वह छोड़ रखी कित बेटी बताओ भाई युवाओं के बांध रहा है देश की। तो फिर 2024 में कैसा देखो लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है? कती जमाने जब से नहीं की बीजेपी आ रहा यहाँ तक सुशील गुप्ता आम आदमी कैंडिडेट है कैसा देखते हो हम सुशील गुप्ता एक नंबर का आदमी है सपा जी नवीन दलाल जी। नवीन दलाल जी कैसा देखते हो बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार को? बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार ने आज तक कोई रोजगार दिया है? कहाँ रोजगार जी ये सिर्फ स्टेजों तक और अखबारों तक सीमित है बिना खर्चा और बिना पर्ची की ये जो बातें हैं सिर्फ उनमें से मिट के रहेगी है। अगर धरातल पे आप देखोगे तो युवा आज के दिन रोष में है जो 3 लाख हर साल नौकरी देने का वादा खट्टर साहब ने किया था आज वो जुमला निकला उनका इसलिए सरकार नाराज है इसको बदलने के लिए तैयार बैठी है रिंग की बट्टी हाथ में ले रही दौड़ने के लिए तैयार है। कभी 29 तारीख को 29,000 नौकरियां तो कभी पीछे दिसंबर में कोर्टों में भर्तियां निकल रही हैं कैसे देख रहे हो अब भाई युवा है जो कोर्टों में देख के खा रहे हैं अपनी भर्तियों के लिए? युवाओं की भर्तियां निकाली जाती है बाद में उनको रद्द कर दिया जाता है तो युवा में रोष पैदा ना और क्या होगा ये बताओ। दिन प्रतिदिन आज हरियाणा बीजेपी की देन है नंबर वन बेरोजगारी में है तो रोष तो बहुत ज्यादा रोजगार को लेकर युवा में बहुत ज्यादा है। यहाँ के जो युवा है उनको यहाँ नौकरी देने के बजाय विदेशों में मरने के लिए भेज रहे हैं ये कहाँ का इंसानियत है ये बताओ और कहाँ का न्याय है? वोट इनकी यहाँ से ये मरने के नौकरी वहाँ दे रहे हैं क्या मतलब इस चीज़ का? तो फिर सुशील गुप्ता कैसे देख रहे हो कितने से जीत कर पाएंगे? सुशील गुप्ता अब की बार यहाँ से ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं जीता है जितनी वोटों से सुशील गुप्ता यहाँ से जीतेंगे। बहुत बढ़िया जी हम तो बीजेपी के वोट देंगे जी। बीजेपी की कहते हो क्या खास कर मारा थोड़ी ला रखी जी नौकरी पे नौकरी पे हाँ जी ई भी लग गया जी कलर लग गया है महकमे तो देने जी लगे बीजेपी के वोट देंगे जी। हाँ जी चलो जो भी होगा कोई बात नहीं बाकी लैग पक्की जी फिर भी मोदी के वोट देंगे जी।